दबंगों ने एक गरीब मजदूर को लाठी डंडों से पीटा। यूपी के जनपद संभल के गुन्नौर तहसील के मेहुआ हसनगंज के एक गरीब युवक कुंवरपाल पुत्र प्रकाश को दबंगों ने उसी के आवास में के अंदर घुसकर बुरी तरह से लाठी डंडों से पीटा। लोगों ने मीडिया को बताया कि दबंग लोग पीड़ित की पत्नी रेखा को गंदी गंदी गाली दे रहे थे। पति के मना करने पर उल्टा इन्हें ही पीटना शुरू कर दिया और तब तक मारते रहे जब तक कुंवरपाल बेहोश न हुआ। देखे गुन्नौर से सुरेंद्र कुमार की यह रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, देखिए आज हम ग्राम मेहुआ हसनगंज में आए हुए हैं और यहाँ अभी पिछले संडे को यहाँ एक छोटी सी बात विवाद पर लाठी डंडे चले हैं। ये कुंवरपाल सिंह जी के यहाँ आवास पर घर पर हम इस समय मौजूद हैं। आइए जानकारी लेते हैं कि यहाँ क्या घटना घटी थी, इनको डंडों से क्यों मारा गया, क्या हुआ। भैया जी अपना परिचय देते हुए बताएं क्या हुआ। कुंवरपाल हो गए जी। मेरे बाप का नाम प्रकाश है जी। साहब मेरी घरवाली को कह रहे थे टांग पर टांग रख के फाड़ देंगे। कौन कह रहे थे? वो कह रहा था पप्पू जी। पप्पू से अब से पहले कोई वैर कोई दुश्मनी क्या थी? कोई दुश्मनी थी? सर हमारी कोई दुश्मनी थी नहीं थी, ये अपनी दुश्मनी निकाले बैठे थे। ये पहले लुगाई भाग लाए थे वहाँ से भापुर से जी। उसमें हमको मटेरियल में हमें साने ढूंढने थे, साल भर से हमारी कोई जानकारी नहीं थी जी। ना हमारा कोई रोला था जी। इन लोगों ने उस खुन्नक निभा के हमको हमारे घर चल के मारा है जी। मारते मारते देखो साहब ये सारी हालत खराब है हमारी। देखो ये सब चोटें लगी हुई हैं। देखो इनको बुरी तरह से मारा है और इनका पूरा शरीर तोड़कर फेंक दिया। तो लाठी डंडों से इन्हें मारा है। देखो ये पूरी सारा टूटा हुआ पड़ा है साहब। ये सब चोटें बड़ी बड़ी है इनके साथ साथ। ये साहब एक कान से बह रहा हूँ, ये कान में चोट लगी है जी। इसे कहाँ मारे थे आप? यहीं पे मारा हूँ। यहाँ पे मारे थे और छत पे जाके मारा हूँ साहब। उस ऊपर छत पर जाकर? छत पे टीन है साहब, टीन पर चढ़ कर डर के मारा वहाँ पर भी मारा हूँ जी। मेरे किवार खुली हुई रहेगी, मेरी घरवाली को इसमें बंद कर दिया जी। और मुझे ऊपर वहाँ छत पर जाके मारा है साहब टीन पर। आइए इनकी घरवाली से भी बात करते हैं। इनकी पत्नी है, क्या नाम है आपका? रेखा जी। क्या हुआ था? आप कहाँ पे थी? मैं जहाँ पर दुकान पर थी जी। दुकान पर थी। हाँ। समय लगभग 8 से 9 बजे। हाँ। 8 से 9 बजे की घटना है। इनके पति को कुछ लोगों ने लाठी डंडों से मारा है। हाँ। कौन लोग थे पहचानते हो आप उन्हें? पड़ोस के ही हैं? हाँ। पड़ोस के। कौन, क्या का नाम है इनके? पप्पू है, देवा है जी, चंदर है, चंदर है जी। हरिओम। आपके ऊपर भी हाथापाई की थी? मैं भी मारी थी, मेरे लोगों का कुंडल भी ले गए बकोटे के। तुम्हें भी मारा था? तुम्हें कमरे के अंदर मारा था? इन्हें कमरों के अंदर और इनको छत पर मारा था। इनका एक, ये आपके कौन लगते हैं? देवर है। इनके देवर हैं, इनसे भी बात करते हैं। भैया अपना पता बताओ, क्या नाम है पहचान? नाम है नीरज सर जी। पापा क्या नाम है? कल्याण। कल्याण सिंह। और किस गांव के हो? मेहुआ। आगे तुम का क्या कर रहे थे यहाँ जिस समय? जी इनको भी मारा है। और लगभग कितने लोग थे? 10-12 लोग थे। लगभग 10-12 लोग थे। और ये पैर में चोट है मेरे। जी इनको लाठी डंडों से यहाँ मारा गया है। और ये इसके बाद में जब बेहोश हो गए थे तुम तो घर में लूट मार करी और पुलिस वाले डंडे मारे, अंदर से मार दिया। जब बेहोश हो गए थे तो कैसे कैसे फिर कौन बुलाया था आपने, किसको बुलाया था? आपने शिकायत की थी सवाल नंबर पर? बता रही है सवाल। एक घंटे बाद पुलिस आई थी, बुरी तरह से मारा था। एम्बुलेंस बुलाई थी। फिर वो सिपाही ने खड़े होकर पिटवाया जी। फिर वो सिपाही की क्या कंप्लेंट कहना चाहते हो, क्या बात है? फिर वो सिपाही ने हमें खड़े होकर पिटवाया साहब, को अंदर से पेड़ कटवा के ले जाता है साहब, इसलिए खुन्नक निभा के हमको यहाँ मारा है, डाल के मरवाया है। फिरमोज से कांस्टेबल कहाँ, कौन से कहाँ पर तैनात है इस समय? टीसीएल में रहता है साहब। टीसीएल पुलिस चौकी पर पुलिस ये फिरमोज तो हैं। हाँ, मौजूद है। उन्होंने तुम्हें यहाँ पिटवाया है? हाँ, यहाँ पिटवाया। कौन करा था ये घंटे में? हमारे घर से जाता निकल के नहीं कहता है,
अभी ठीक नहीं। लूट मार भैया, पैसे वैसे बता रहे थे, पैसे कितने? 10,424 रुपए तो मेरे पर्स और लाइसेंस के साथ में ले गए, गाड़ी का भाड़ा आया था जी। और साहब एक मोबाइल ले गए, वो आपको देख रहा है 8,500 रुपए का हमने खरीदा है जी। वो मोबाइल भी हमारा ले गए, नए सिम के ले गए हैं जी। आज तक हमारी ना कोई सुनवाई है ना कुछ है। तो दरखास्त तो आपकी लग गई है वहाँ पर? दरखास्त ये कुछ नहीं लिखा है हमारा सामान, सामान नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, सुनवाई भी ना आ रही हमारी जी। कोई कार्रवाई ना आ रही हमारी, कोई सुनवाई ना आ रही। बता रही है कि हमारी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस वाले फोन कर रहे हैं, घंटे पुलिस वाले साहब को डेली धमकी देते हैं साहब। आइए चौकी में चलकर बात करते हैं। हमने हमें तो मारा और मारा शाम को साहब, डेली धमकी देते हैं, पंचे लेके नहीं है, कत्ते ले लेके नहीं है, निकलते हैं साहब रास्ते पर, डंडे ले लेके निकलते हैं। अभी आप एक जिस समय आपकी पिटाई हुई थी, फायर वायर भी हुआ था क्या? हाँ साहब, उधर हुए थे मंदिर के पास में, मंदिर के पास फायर भी हुए थे बता रहे ये लोग।